ये तस्वीर है अमेरिका के शहर डैलस की, जहां सोमवार को पूरे दिन शहर पूरी तरह से ठप रहा। वजह थी बारिश। अधिकारियों ने मोटर चालकों को सड़कों से दूर रहने का आग्रह किया और उन लोगों को बचाने का भी अनुरोध किया जिनके वाहन बाढ़ के पानी में फंस गए थे। बाढ़ में गाड़ी के बह जाने की वजह से एक 60 वर्षीय महिला की मौत भी हो गई। इस बीच हजारों घरों की बिजली भी गुल रही और स्थानीय हवाई अड्डों पर हवाई यात्रा बाधित हो गई। रविवार की रात झमाझम बारिश शुरू हुई और सोमवार तक सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। डैलस के डाउनटाउन क्षेत्र के पास कुछ ही समय में लगभग 10 इंच बारिश हुई, जिससे पूरा इलाका डूब गया। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं और देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।